नमस्कार, मैं हूँ SkAnil। आइए कस्पल इंटरलिंक के माध्यम से आज हम सीखते हैं कि किसी भी कुंडली के अंदर में विभिन्न इवेंट्स के लिए प्रॉमिसेस और डिनाई जो है वो किस प्रकार से रीड करते हैं और किस प्रकार से विशिष्ट व्यक्ति की कुंडली को रीड करना चाहिए, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लेते हैं जो प्रॉमिसेस हैं लाइफ के, विभिन्न घरों से संबंधित जो है वो अलग अलग प्रॉमिसेस हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉमिसेस ले रहे हैं वो लेते हैं अपन हेल्थ। जातक का हेल्थ अच्छा होगा कि नहीं होगा, इसकी प्रॉमिसेस जो है ना वो किस तरीके से रीड करेंगे वो देखिए। पहला घर, तीसरा घर, पांचवा, नवा और 11, ये गुड हेल्थ के लिए हैं। और 1, 6, 8, 12 और बाद के जो है ये बैड हेल्थ के लिए आते हैं। ठीक है, किस प्रकार से पता लगाएंगे? तो हेल्थ जो है वो पहले घर का जो सब सब लॉर्ड है और जो छठे घर का सब सब लॉर्ड है। छठा घर क्या है? हाउस ऑफ सिकनेस। लग्न और छठे घर का सब सब लॉर्ड यदि केवल और केवल 1, 3, 5, 9, 11 जैसे घरों में गया हुआ है या 6, 8, 12 में गया ही ना हो, 6 में गया ही ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पूरे जीवन जो है ना वो निरोगी काया में रहता है। यानी कि जो पोजिशनल स्टेटस और स्टार लॉर्ड के थ्रू 1, 3, 5, 9, 11 या और भी कोई भी भाव आ जाए लेकिन इसका संबंध जो है वो छठे घर से नहीं बने, सिक्स्थ हाउस नहीं आए, तो छठा घर नहीं आएगा। तो छठा घर रोग का कारक है तो जातक रोग भी नहीं होगा। तो जो पहला समीकरण है अगर ऐसे आ जाए, यहाँ पे कोई भी एडी में से ऊपर जैसे घरों में से आ जाए और ये 6 में नहीं हो, 8 में नहीं हो, 12 में नहीं हो और बाद केस में नहीं हो, खास करके जब तक 6 नहीं आएगा तब तक रोग नहीं होगा। 8, 12 आ जाए तो वो रोग को नहीं बोलता, लेकिन 6 के साथ जब 8, 12 आएगा तो आप समझना कि वो फेटल डिजीज की ओर इशारा कर रहा है। एक तो ये बोलता है कि यहाँ पे जातक का जो साउंड हेल्थ होगा। दूसरा और कौन सा कंडीशन है यहाँ पे जो इस जातक का हेल्थ जो है वो अच्छा होगा या अच्छा हो जाएगा? तो यहाँ पे 6 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए बोलते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य के खराब होने का तो नंबर है, लेकिन सब लॉट के अंदर यहाँ पे 5 आ जाए, 9 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए ऐसे नंबर अगर आते हैं तो क्या होगा? 6 को 5 जो है वो डिनाई कर देगा, 8 को 7 डिनाई कर देगा, 9 नंबर हेल्थ का कारक है, 11 नंबर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। तो यहाँ पे 5, 9, 11 का जो हाउस है, ये जो घर है ना ये स्वास्थ्य वर्धक है, यानी कि अगर रोग की इन्वॉल्वमेंट है भी तो उसको चलने नहीं देगा। तो यहाँ पे जातक के रोगी होने की संभावना तो रहेगी लेकिन ये उसको क्योर भी कर देगा। यहाँ पे जो सब सब लॉर्ड है उसकी भूमिका विशेष विचारणीय होती है। यदि यहाँ पे 5 या 9 या 11 जैसे भाव हो तो जातक रोगी हो भी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है रोगी ठीक होने का। अब आप देखें यहाँ पे जातक के रोगी होने के लक्षण क्या होंगे। तो पहले घर का या छठे घर का, इन दोनों में से, बल्कि दोनों ही घर के जो सब सब लॉर्ड हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो 6 में होगी और सब लॉर्ड में जो भी भाव आएंगे उसी भाव से संबंधित जातक को उस अंग विशेष में रोग हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 और 12 जैसे घर आ जाते हैं तो ये फैटल डिजीज को दर्शाता है। और सब सब लॉर्ड में यदि 6 या 8 या 12 जैसे भाव आ जाएं तो आप ये समझना कि इस जातक को फैटल डिजीज होने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ पे जो अच्छे भाव है केवल 1, 3, 5, 9, 11 में ही पहले और छठे घर का सब सब लॉर्ड इन्वॉल्व और कमिट है तो वो बोलेंगे बहुत अच्छा स्वास्थ्य है। और यदि पहले और छठे घर का सब सब लॉर्ड 6 को इन्वॉल्वमेंट कराता है और 8, 12 में कमिट होता है तो आप ये मान के चले कि जातक को गंभीर रोग होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अब प्रॉमिसेस लेते हैं जातक का जो एजुकेशन है वो कैसा होगा। तो अच्छे एजुकेशन के लिए जो है वो पहला घर, अच्छा
बच्चे एजुकेशन के लिए फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस प्राइमरी हाउस, और नाइन्थ हाउस जो है वो हायर एजुकेशन के लिए है। इसके साथ और जो सहायक हैं पढ़ने में वो दूसरा घर ज्ञान का घर भी है और अकाउंट्स का हाउस भी है, क्योंकि धन है, धन है तो मुद्रा, मुद्रा में अकाउंट्स। तीन नंबर जो है वो कॉन्फिडेंस, करेज और मेमोरी है, मेंटल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, इसीलिए इसका जो रुझान है वो तीसरा घर पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। पत्राचार का भी घर है ये, नंबर चार हमने लिया ही हुआ है। नंबर पांच आपकी बुद्धि का घर है, कितना इंटेलिजेंट है आप, कितना मेघावी हैं आप। जो सातवां घर है वो एक तो नाइन्थ हाउस से इलेवेंथ होता है और वो पांचवें का मल्टीपल भी है, इसीलिए सातवां घर जो है वो उच्च शिक्षा में सहायक है। और ऐसे में ये एमबीए वगैरह की पढ़ाई के लिए, क्योंकि सातवां घर व्यापार है इसलिए एमबीए की पढ़ाई वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। जो इलेवेंथ हाउस है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है, तो यहाँ पे एक चार नौ दो तीन पाँच सात और ग्यारह बुनियादी तौर पे शिक्षा के लिए बहुत सहायक है। इसके विपरीत अगर आप समझ लें कि नेगेटिव जो नंबर है वो है चार आठ और बारह, तीन आठ और बारह, हाँ लगन का एडवर्स हो गया छः आठ और बारह। यहाँ पे अगर मिक्स नंबर आ जाए छः आठ तीन आठ, तो ये नंबर जो होंगे ये भी पढ़ाई के लिए बाधाकारक होंगे, है ना। क्यों बाधाकारक होंगे, नौ को खा जाएगा आठ, चार को खा जाएगा तीन, और तीन आठ बारह छः आठ बारह ये सब नंबर लगन के भी एडवर्स चले जाएंगे, तो ये शिक्षा के लिए प्रतिकूल होंगे। तो अच्छे शिक्षा के लिए क्या है कि पहले घर का प्लस चौथे घर का प्लस नाइन्थ हाउस का जो सब सब लॉर्ड है वो यदि केवल और केवल ग्रुप ए जैसे भावों में चला जाए अपने पीएस और स्टार लॉर्ड के थ्रू, और सब लॉर्ड में और सब सब लॉर्ड में भी ए जैसे भाव ही आए सॉरी, तो आप समझिए कि जातक जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसका एकेडमिक करियर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके विपरीत यदि इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट बी की हो जाए तो ऐसा जातक जो है वो पढ़ेगा ही नहीं। अगर लगन का लॉर्ड छः आठ बारह तीन आठ बारह चार आठ बारह के अंदर ही इन्वॉल्व और कमिट हो रहे हों अपने पोजिशनल स्टेटस स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा, तो आप ये मान के चलना कि जातक जो है ना वो बिल्कुल अनपढ़ और गंवार होगा या उसकी पढ़ाई में रुचि बिल्कुल भी नहीं होगी। इस हिसाब से ये एजुकेशन को डिनाई कर देता है, तो ये वाले नंबर आपको ध्यान रखना। अगर ए और बी दोनों मिक्स हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जातक जो है वो पढ़ाई में जो है वो एवरेज होगा, ठीक है। एजुकेशन ले लिया हमने, इसके बाद आइए बात करते हैं जातक का धन कैसा होगा। तो धन के लिए वेल्थ, धन के लिए पहला घर और दूसरा घर प्लस सोर्स, कौन से घर से आप काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तीसरा घर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं चौथा घर आएगा, तो आप काम क्या कर रहे हैं वो वाले घर, ठीक है। अगर पहले और दूसरे घर का जो सब सब लॉर्ड है अगर यहाँ पे अपने स्टार लॉर्ड या पोजिशनल स्टेटस के द्वारा एनी हाउस और सब लॉर्ड के अंदर दो और ग्यारह, दो छः ग्यारह, दो छः दस ग्यारह, दो दस छः दस, हाँ दो और चार, दो और छः, ऐसे नंबरों में जाता है तो आप समझ के चलें कि जातक जो है ना वो धन लाभ प्राप्त करेगा ही करेगा। जितने ज़्यादा प्लैनेट सब लॉर्ड, जिस भी प्लैनेट का सब लॉर्ड यदि लगन और स्वभाव से फेवरेबल हो जो स्टार लेवल पे आया है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत धनी होगा, क्योंकि हर प्लैनेट के अंदर धन कमाने वाले नंबर होंगे। जो डिनाइल होगा उसके दो तरीके हैं, हर चीज़ दो तरीके से डिनाइल होती है, कैसे डिनाइल होगी वो देखिए आप। पहले घर का या दूसरे घर का जो सब सब लॉर्ड है ये दो में नहीं जाता है, और दो से सारा का सारा प्रतिकूल हाउस ले ले, एक पाँच आठ और नौ, और यहाँ पे दो में नहीं जाए, तो ये इसने क्या हुआ, रूल क्या बोलता है कि यदि किसी भाव का सब सब लॉर्ड अपने पीएस और स्टार लॉर्ड के थ्रू अपने ही घर से सर्वथा प्रतिकूल चला जाए, ये क्या होगा बारह, ये क्या हुआ चार, ये क्या हुआ सात, ये क्या हुआ, यानी कि चार सात और बारह में चला जाता है, चार सात आठ और बारह में, तो अपने भाव का फल स्वयं खराब कर लेता है, और ऐसे में सब लॉर्ड जहां भी होगा वहीं से धन की आनी शुरू। तो ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, धन
धन की हानि का, यहाँ पे जड़ से पैसा नहीं होगा, यहाँ पे दो नंबर तो आए लेकिन यहाँ पे आ जाए 1, 5, 8 और 9, तो ये क्या बोल, जितना भी पैसा होगा वो सब के सब पैसे बर्बाद हो जाएंगे, धन की हानि शुरू हो जाएगी। अगर ए और बी यानी कि अच्छे और बुरे दोनों मिक्स हो जाए तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना कभी रहेगा और कभी कंफर्ट जोन में आएगा, ये डिपेंड करता है ग्रहों की दशाओं के ऊपर में। तो धन के लिए आपने देखा कि कौन से घर अच्छे कौन से बुरे, ये आप देख लिया आपने। उसके बाद कैरियर की बात करते हैं, कैरियर की बात करेंगे। पहला घर है, छठा घर है, सातवां घर है, दसवां घर है। तो पहले और दसवें घर का जो लॉर्ड है प्रोफेशन को जो दर्शाता है, अगर पहले और दसवें घर का जो सब सब लॉर्ड है, अगर ये अपने पोजिशनल स्टेटस और अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 6+10 या 7+10 या 6 या 7 या 10 में जाता है, या कोई भी ऐसा हाउस +10, तो वो जातक उसी से व्यापार कर सकता है। और यदि उसका सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड जो है वो 2, 6, 10, 11, 2, 6, 2, 11, 6, 10, 6, 11, 2, 6 ऐसे घरों में जाता है तो व्यक्ति का प्रोफेशनल जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा होता है, कमाने में अच्छा होता है और सक्सेस के नंबर बहुत अच्छे होते हैं। इसके विपरीत यदि सारे के सारे नंबर बुरे आए, लगन के ही आए, 5, 8, 12, 6, 8 और 12, 7, 8 और 12, 5, 9 और 12, 5, 9, 5, 8, अगर ऐसे नंबर आते हैं 5, 12, तो क्या होगा, जो भी ये स्टार लेवल पे होगा ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगे, काम धंधा जो है वो चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब व्यापार के और धन के नुकसान के नंबर है, ये लगन का एडवर्स नंबर है, ये सब लगन के एडवर्स नंबर है, 5, 9 व्यापार का एडवर्स नंबर है, 5, 9 व्यापार और नौकरी जो भी है उन सब का ये सब एडवर्स नंबर है। तो क्या होगा, स्टार लेवल पे आने वाले जो भाव हैं उनको ये चलने नहीं देगा और ऐसे में सारा का सारा जो व्यापार है वो बहुत उथल पुथल में रहेगा। और अगर इसके साथ मिक्स हो जाए 2, 6, 10 और 11 तो फाइनेंशियल क्राइसिस कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी, यानी कि ये मिक्स हो जाएगा। एक दूसरा जो डिनाइल है वो आप देखें, क्या डिनाइल नंबर बनेगा इसका। तो यदि पहले घर का या दसवें घर का जो सब सब लॉर्ड है वो 2 में, 6 में, 7 में और 10 में जाता ही ना हो, इन घरों में जा ही ना, यहाँ पे भी 2 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा और इसकी जगह में आ जाए 5, 8, 12, 6, 8, 12, 5, 9, 12, 8, 12, 5, 12, 5, 8 ऐसे नंबर अगर आते हैं और यहाँ पे भी यही रिपीट होता है और 2, 6, 10 और 11 जैसे नंबर नहीं आते, 2, 6, 7 और 10 जैसे नंबर नहीं आते, तो ये व्यक्ति शुरू से बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शिक्षा के व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र के अंदर शुरू से ही नल्ला रहेगा और कोई भी व्यापार व्यवसाय कर पाने में ही सक्षम नहीं रहेगा। तो ये आप देखें दो तरीके से डिनाइल होता है, एक तो यहाँ पर सक्सेस के नंबर हों और नीचे डिनाइल हो जाए, या ऊपर जो है वो कोई भी व्यापार और व्यवसाय से संबंधित भाव आए ही ना और नीचे जो है उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में लगन के और दसवें भाव से सारे के सारे प्रतिकूल भाव आए, तो ऐसे व्यक्ति का व्यापार व्यवसाय सब चौपट रहता है। इसके बाद लेते हैं मैरिज। मैरिज के लिए पहला और सातवें घर का जो सब सब लॉर्ड है ये प्रॉमिस करेगा अपने स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा 7 में, 5 में और 11 में, 7 में और 5 में, 7 में और 11 में, या 11 में और 7 में, या 5 में और 7 में, कैसे भी जा सकता है, तो हम बोलेंगे भाई ये प्रॉमिस में है। अगर ये इन घरों में नहीं जाता तब भी डिनाई नहीं है, डिनाई दो तरीके से होगा। कैसे होगा वो दोनों तरीके आप देखें। पहला क्या होगा, यहाँ पे 7 आ जाए, 5 आ जाए, 11 आ जाए, या 7 और 5 आ जाए, या 7 और 11 आ जाए, या केवल 7 आ जाए, और सब लॉर्ड में क्रमशः इनके 12 नंबर आ जाए, सारे सबके उलट नंबर, और 7 नहीं आए, 5 नहीं आए, 11 नहीं आए, तो ये डिनाई है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो है लेकिन कमिटमेंट में सब खारिज हो गया। दूसरा क्या होगा, ये 7 में नहीं गया,
पांच में नहीं गया और ग्यारह में गया ही नहीं, ऊपर से क्या आ गया, छः चार दस, छः चार छः दस और छः और नीचे सात नहीं आया, तो ये डिनाइल हो गया, मैरिज नहीं होगी ऐसे जा तक की, पहले घर का या सातवें घर का, प्राइमरी हाउस का, अगर वो मना कर दे तो नहीं हो सकती। अब आप लीजिए चाइल्ड का, चाइल्ड के लिए पहला और पांचवें घर का जो सब सब लॉर्ड है, ये अपने स्टार लॉर्ड या पोजिशनल स्टेटस में पांच आ जाए, दो आ जाए, ग्यारह आ जाए, पांच दो पांच ग्यारह या पांच, और उसका सब लॉर्ड जो है वो चला जाए चार एक और दस में, या चार और एक में, या चार और दस में, या चार में, और यहाँ पे पांच नहीं आए, दो नहीं आए और ग्यारह नहीं आए, तो ये बोलता है इन्वॉल्वमेंट की जो कमिटमेंट है उसने डिनाई कर दिया, तो इसमें संतान नहीं होगी। दूसरा जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, पांच नहीं आए, दो नहीं आए, ग्यारह नहीं आया स्टार लेवल पे, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा चार एक और दस, चार एक चार दस या चार और सब लॉर्ड में पांच नहीं आएगा, तो ये डिनाइल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई भी इवेंट हो उसके दो तरीके से जो है ना वो डिनाइल होते हैं, और आपको बहुत आसानी से वो आपके सब सब लॉर्ड में दिख भी जाएंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से किसी विशेष व्यक्ति का जो कुंडली है वो पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे आप उसको एक बार ध्यान से देखें। बहुत सिंपल सी टेक्निक है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए लगन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो पहले घर का फर्स्ट हाउस में बोलूँगा, ऐसे सेल नहीं दिखें, यहाँ पे फर्स्ट हाउस, तो पहले घर का जो राशि लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड है और सब सब लॉर्ड है साहब, ये जो प्लैनेट हैं ये आपकी कुंडली के, यदि दूसरे घर का सब सब लॉर्ड हो, दसवें घर का सब सब लॉर्ड हो, छठे घर का सब सब लॉर्ड हो, ग्यारहवें घर का सब सब लॉर्ड हो, या कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यापार कर रहा है तो चौथे घर का सब सब लॉर्ड हो, तो यहाँ पे ये जो प्लैनेट हैं चार पहले घर का को रूलिंग प्लैनेट, इसी हिसाब से सेकंड का ले लीजिए, सिक्स्थ का ले लीजिए, सेवन्थ का ले लीजिए, टेंथ का ले लीजिए, इलेवेंथ का एसएसएल प्लैनेट अगर आप ले लेते हैं, को रूलिंग प्लैनेट ले लेते हैं, तो उनके जो चारों के चारों को रूलिंग हैं इन्हीं आपस के ही सब सब लॉर्ड बन के अपीयर हों। मान लीजिए पहले घर का सब सब लॉर्ड जो है वो सेकेंड हाउस का, पहले घर का राशि लॉर्ड सेकेंड हाउस का सब सब लॉर्ड है, पहले घर का जो स्टार लॉर्ड है वो मान लीजिए टेंथ हाउस का सब सब लॉर्ड बन के है आया हुआ है, जो दसवें का है वो मान लीजिए सिक्स्थ हाउस का एसएसएल प्लैनेट है, और जो पहले घर का सब सब लॉर्ड है ये मान लीजिए ये सेवन्थ हाउस का सब सब लॉर्ड है, और ये जो भी ग्रह हैं ये अपने अपने पोजिशनल स्टेटस और स्टार लॉर्ड के थ्रू, सब लॉर्ड के थ्रू, यदि दो तीन चार छः दस ग्यारह जैसे भावों में जाए इन्वॉल्वमेंट कर, सभी आर्थिक भावों में, खास करके सब लॉर्ड के अंदर दो छः दस और ग्यारह जैसे भाव आए, दो छः ग्यारह, दो दस ग्यारह, दो छः छः दस, छः ग्यारह जैसे भावों के अंदर आए, तो आप समझना कि ऐसी कुंडली के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और ऐसा प्लैनेट जो दशा में हो, सपोज कर लीजिए महादशा लॉर्ड मार्स है, मार्स खुद दसवें घर का सब सब लॉर्ड है साहब, उस वो स्टार में बैठा है सेकेंड हाउस प्लस फोर्थ हाउस का सब सब लॉर्ड है, जो कि दो दे रहा है, चार दे रहा है, छः दे रहा है, दस दे रहा है, और जो सब लॉर्ड है वो आप मान के चलें यहाँ पे सेकेंड हाउस का सब, ये तो सेकेंड हाउस था ना, तो यहाँ पे सिक्स्थ हाउस का एस एस एल प्लैनेट है, और वो दो छः दस और ग्यारह जैसे घरों में गया हुआ है, इसका पोटेंशियल आप चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि एक प्लैनेट का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड सारे के सारे कॉमर्शियल हाउस का ही सब सब लॉर्ड है या सब लॉर्ड है, और फिर वो अपने पोजिशन स्टेटस स्टार और सब के द्वारा जो है वो दो चार छः दस ग्यारह जैसे भावों में गया हुआ होगा, आपको देखते ही पता चलेगा कि ऐसा जो चार्ट है वो किसी विशेष व्यक्ति का है। इसके विपरीत में यदि मान लीजिए पहले घर का सब जो को रूलिंग प्लैनेट है वो राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब सब लॉर्ड, वो पाँच आठ बारह, छः आठ बारह, सात आठ बारह के सब सब लॉर्ड हैं या सब लॉर्ड हैं, और उनकी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट जो है वो पाँच आठ बारह, छः आठ बारह में है, तो आप समझ लें कि जो व्यक्ति है वो बिल्कुल जो है वो एवरेज है या बहुत परेशानियों में चल रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। एक और तरीका है जो मैं आपको बताऊं, एक ग्रह जब उसका संबंध
मान लीजिए प्लैनेट ए पी वन और पी टू ये अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 6 और 10 में जा रहा है, 2 और 11 में है, ये समझ कर लीजिए 6 में है और ये आ रहा है 10 और 11 में, तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं व्यापार और व्यवसाय के लिए, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन क्या है, यदि इस पी वन का संबंध यदि पी टू से बनता है, मान लीजिए ये सेकेंड हाउस का सबसे लॉर्ड है, ये 10th हाउस का सबसे लॉर्ड है, और इसका संबंध यदि सेकेंड इन दोनों का संबंध आपसी संबंध बन जाता है, तो समझिए ये सोने पे सुहागा है और ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा धनवान होगा। क्यों धनवान होगा? क्योंकि व्यापार का संबंध दूसरे घर के सबसे लॉर्ड से बना है। वो चार प्रकार हैं, आप मेरी दूसरी वीडियो जो यूट्यूब पे हैं आप उनको देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप अपने जो सुझाव है वो भी दे सकते हैं। अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये आप हमें लिख भीजिए या आप हमारे को व्हाट्सअप कीजिए। कोशिश करेंगे कि आप जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो मैं अपलोड कर पाऊँ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।